आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पॉलिटी पर अपनी चर्चा जारी थी और आज हम राष्ट्रपति को कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रपति पे दो लेक्चर अपने ऑलरेडी हो चुके हैं और ये राष्ट्रपति पे का पर अपना तीसरा लेक्चर है, अपन इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आपको राष्ट्रपति में आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख था, आर्टिकल 53 जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख था, और आज हम आर्टिकल दो आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं 52 और 53 पे। आज हमारा आर्टिकल है 54 और राष्ट्रपति के आर्टिकल में से मोस्ट ऑफ द आर्टिकल है आर्टिकल 54 जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सा रिपीट हो जाता है कि राष्ट्रपति के डेली बेसिस पे क्लासेस लगती है, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, टीचर की भी होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, किन्हीं कारणों से दो दिन क्लास नहीं लग पाई थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो दो दिन से किसी वजह से डिले हो गई थी क्लास आपकी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आगे हम आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। दोस्तों अब आपकी निश्चिंत रहें कि आप हमारे साथ निरंतर बनाए रहें, आगे कंटिन्यू होगी आपकी क्लास। तो आर्टिकल 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है, तो क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, 54 में। यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशल नॉट फर्स्ट क्या आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में, 54 में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों यहां पे निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है, सदस्य दो प्रकार के होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। सदस्य की बात करें तो सदस्य दो प्रकार के होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिसे हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है, मैक्सिमम 552 होती है, 7 पीओ के कारण खाली है, वर्तमान में 545 है। उसमें से राष्ट्रपति के द्वारा दो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। ये आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है, यह आर्टिकल 331 में लिखा है, जबकि 543 निर्वाचित होते हैं। तो मनोनीत और निर्वाचित दो प्रकार के सदस्य होते हैं, मनोनीत स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं और जो निर्वाचित होते हैं ये आम जन के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या 245, इसमें से राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है। तो निर्वाचित और मनोनीत, तो हमने कहा 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं, इसका मतलब सदस्य दो प्रकार के होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह आपको ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं,
संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं तो आप उसको क्रॉस कर देना। सभी सदस्य का मतलब दोनों प्रकार के, मनोनीत और निर्वाचित, यानी सभी सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। तो हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, क्रॉस कर दीजिएगा, जहां सभी वर्ड आ जाए उसको क्रॉस कर देना। लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं तो भी क्रॉस कर देना, क्योंकि लोकसभा में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं तो भी क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि सभी सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यसभा में निर्वाचित और मनोनीत है। क्या विधानसभा के सभी सदस्य भाग लेते तो भी क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि विधानसभा में निर्वाचित और मनोनीत होते हैं, क्योंकि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, आर्टिकल 333 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो जहां भी सभी सदस्य आ जाए उसको एक तो क्या कर देना, क्रॉस। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन होते हैं। तो इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तब भी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और विधानसभाओं के भी केवल निर्वाचित, विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और कौन भाग लेते हैं, यहां क्लियरली हो जाए कि कौन कौन सी विधानसभाओं के, तो यहां क्लियर हो जाए 29 राज्यों में विधानसभा है, 29 राज्यों में विधानसभा है, और भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं। भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, कौन कौन से, दिल्ली और पांडिचेरी। और जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो क्वेश्चन आएगा, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो आप क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। सभी नहीं लेते, केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो स्वयं की क्या रखते हैं, विधानसभा रखते हैं। कौन कौन लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। स्पेशल नोट, सेकेंड होगा आपका दिल्ली व पांडिचेरी, केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं की क्या रखते हैं, विधानसभा, और स्वयं की विधानसभा रखते हैं तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली व पांडिचेरी, जिसे दिल्ली व पांडिचेरी भाग लेते हैं, दिल्ली व पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इनको जो अनुमति मिलेगी इसके लिए 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1992 के, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनकी अनुमति मिली थी। तो आपसे पूछिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 ही भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। किस संशोधन के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और आपको बताएं कि यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1995 से, ये कब से प्रभाव हुआ, 1 जनवरी 1995 से प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 1995 से ये प्रभावी हुआ। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो बहुत क्लियरली रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यानी यहां लिख देते हैं, मनोनीत सदस्य जब भी आ जाए तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल कौन लेते हैं, निर्वाचित, ठीक है। दूसरा, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, नहीं दोस्तों, केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। और उनके लिए जो ये प्रोविजन किया गया 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, और ये प्रभावी कब हुआ, 1 जनवरी 1995 से प्रभावी हुआ। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसके क्लियरली बता देता हूं आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन आएगा, जहां भी इस आपके ऑप्शन में सभी सदस्य आ जाए उसको क्रॉस कर देना। सभी भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। क्या मनोनीत भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। और तीसरा, आपको पता है 2 सदन होते हैं विधानमंडल के, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, और विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, भले ही वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो देखिए, सभी सदस्य यानी संसद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते,
लोकसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, सभी सदस्य जहां वार्ड आ जाए वो भाग नहीं लेते, तो भाग क्या लेते हैं, केवल निर्वाचित भाग लेते हैं। सभी में तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं, इसलिए जहां सभी आ जाए उस स्टेटमेंट को गलत कर दीजिएगा। और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीसरा, विधान परिषद के सदस्य भले ही वो निर्वाचित हो या मनोनीत, विधान परिषद का कोई सा भी सदस्य भले ही वो निर्वाचित हो या मनोनीत, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, भारत के केवल 7 ही राज्यों में विधान परिषद है जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होने के कारण ये भाग नहीं लेते। और तीसरा, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दोस्तों सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते, केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। तो आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्वयं की क्या रखते हैं, विधानसभा रखते हैं। और नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, क्या तीसरा स्पेशल नोट आपके लिए, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो आपको पता है राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों याद रखिएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 29 राज्यों की विधानसभा के लोग भाग लेते हैं और 2 दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के लोग, केवल निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ समय पहले भंग हो गई, यदि मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ दिन पहले भंग हो गई, जैसे ही राजस्थान की विधानसभा भंग होगी और मान लीजिए 15 दिन बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव है और 15 दिन पहले राजस्थान की विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यदि 29 राज्यों की विधानसभा में से कोई एक विधानसभा भंग भी हो गई तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से कोई भी पद रिक्त हो जाए, कोई भी पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव कोई प्रभावित नहीं होगा। निर्वाचक मंडल में कोई भी पद रिक्त होने पर, कोई पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था आपका आर्टिकल दोस्तों 54। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, मैं आपके वापस क्वेश्चन के पैटर्न पे चलता हूं ताकि क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तब आपका आंसर होगा 54 में। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दोस्तों सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते, केवल दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के लोग ही भाग लेते हैं, उनके केवल निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होने के कारण ये भाग नहीं लेते हैं, केवल 2 में ही है, दिल्ली और पांडिचेरी में, इसलिए केवल 2 भाग लेते हैं। और ये पूछ सकते हैं किस संशोधन के द्वारा प्रोविजन किया गया, 17वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये कब से प्रभावी हुआ, 1 जनवरी 1995 से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं आपको इसका ऑल ओवर कैसे एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आपका थ्योरी पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हुआ था, सेकंड ग्रेड संस्कृत का, आरपीएससी के द्वारा, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है या नहीं लेता है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपका एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता,
पहला ऑप्शन है आपके लिए संसद के उच्च सदन के कौन भाग लेता है, इसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है ऐसा बता दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। पहला संसद के उच्च सदन के सभी सदस्य, संसद के उच्च सदन के सभी सदस्य। दूसरा विधानमंडल के सभी सदस्य। तीसरा लोकसभा के केवल मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के केवल निर्वाचित सदस्य, उस सदन के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी ए फर्स्ट सेकंड फोर, ऑप्शन सी ए ओनली फोर, ऑप्शन डी ए फर्स्ट थर्ड फोर, ऑप्शन ई है नोटा। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। हाँ बताइए, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका, इसके आंसर क्या होगा जल्दी से। इनमें से बताना ए बी सी डी और ई में से, इसमें से आपको आंसर बताना ए बी सी डी ई में से। जल्दी से आप अपना आंसर कीजिए, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अपना आंसर कीजिए। हाँ देखिए, सभी के मिले जुले आंसर मिल रहे हैं, किसी का डी, किसी का सी, किसी का ए। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए संसद के उच्च सदन, संसद का उच्च सदन बोलते हैं दोस्तों राज्यसभा को, संसद का जो उच्च सदन है उसे कैसे बोलते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य। दोस्तों सभी का मतलब होता है निर्वाचित और मनोनीत दोनों, सदस्य दो प्रकार के होते हैं निर्वाचित और मनोनीत दोनों, तो सभी सदस्य इसका मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। क्या राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, नहीं दोस्तों, राज्यसभा के केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। तो यह पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहां लिखा हुआ सभी सदस्य। दूसरा विधानमंडल, संसद की जगह राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा, जैसे संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के दो सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद।
तो इसका मतलब विधानमंडल के सभी सदस्य नहीं दोस्तों, केवल विधानसभा के भाग लेते हैं और वो भी केवल निर्वाचित है, विधान परिषद के तो वैसे भी भाग नहीं लेते। तो यहां तो लिखा विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद के लोग भाग इसमें भाग नहीं लेते और सभी तो वैसे भी नहीं लेते। नेक्स्ट, लोकसभा के केवल मनोनीत सदस्य, ये सेकंड हो गया गलत, लोकसभा के केवल मनोनीत, देखो केवल मनोनीत भाग नहीं लेते दोस्तों, हमेशा केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, केवल मनोनीत भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित लेते हैं। और नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक होता विधानसभा और एक होता विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, उच्च सदन बोलते हैं दोस्तों विधान परिषद को, उच्च सदन किसे बोलते हैं, विधान परिषद को। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया था उच्च सदन क्या होता है, निम्न सदन क्या होता है। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को, और विधान परिषद के केवल निर्वाचित सदस्य दोस्तों, मैंने बताया था विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, भले वो निर्वाचित हो या मनोनीत, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, विधान परिषद के भाग नहीं लेते। और विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है वो होता है विधान परिषद, इसलिए इसके लोग भी भाग नहीं लेंगे। आपका राइट आंसर होगा नोटा, क्योंकि ये सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें से कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। तो आपका आंसर क्या होगा, नोटा। कुछ लोगों ने यह मिस्टेक कर दी कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, उच्च सदन होता है विधान परिषद, यह आना चाहिए निम्न सदन, निम्न सदन होता है विधानसभा। इस प्रकार ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होता। तो ये था आर्टिकल 54। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइए, यदि क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है, वापस लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, कौन से कथन सत्य हैं, अच्छे से आंसर देना आपको, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, उस सदन का सदस्य है तो क्या वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, कौन से कथन सत्य हैं उन्हीं पे बताना। दूसरा, यदि प्रधानमंत्री संसद के निर्वाचित सदस्य हैं तो वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं? देखिए, पहला, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का, राज्य में दो सदन होते हैं, एक होती है आपकी विधानसभा और एक होती है आपकी विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, और यह होता आपका विधानमंडल। देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संसद होती है और राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है, विधानमंडल होता है। विधान परिषद का संबंध 169 और विधानसभा 1 से। यह होता आपका उच्च सदन, यह आपका उच्च सदन,
और ये आपका क्या होता है निम्न सदन, निम्न सदन। अब पहले लाइन पढ़ लीजिए, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य, उच्च सदन का मतलब किसका है, विधान परिषद का सदस्य, तो क्या वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। दोस्तों आपको बताया विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग ही भाग लेते हैं, और वो भी कैसे, केवल निर्वाचित। विधान परिषद के लोग तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है, उच्च सदन का सदस्य है, यानी विधान परिषद का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये आपका यानी पहले का आंसर है। दूसरा, यदि प्रधानमंत्री संसद के भी दो सदन होते हैं, संसद का उल्लेख मिलता है 79 में, संसद का उल्लेख किस मिलता है 79 में, संसद के भी आपको तो दो सदन होते हैं, एक होती है आपकी लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। संसद 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अब देखो यदि हम कहें राज्यसभा उच्च सदन होता है, कैसा सदन होता है, उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन, संसद का उच्च सदन का मतलब राज्यसभा से, प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है, यदि संसद के उच्च सदन का निर्वाचित है तो वह क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल दोस्तों सेकंड बिल्कुल आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग भाग लेते हैं। अब राज्यसभा के लोग भाग ले रहे हैं और वो भी कैसे हैं, निर्वाचित है, और यहां भी बोले उच्च सदन का मतलब राज्यसभा और उसका भी कैसे है, वो निर्वाचित है, तो राज्यसभा का निर्वाचित भाग ले सकते हैं। यानी आपका सेकंड आंसर, यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका 54, उसको हमने बड़े डिटेल से एनालिसिस किया है, 54 में क्या लिखा है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपका 55, यानी 54 में निर्वाचक मंडल था, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी इलेक्शन की प्रोसेस, निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया तो हम आर्टिकल देख रहे हैं 55, इसमें लिखा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो यहां पे क्वेश्चन क्लियरली कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, किस सिस्टम से होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि अभी हाल ही में 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी एमपी के चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले राजस्थान में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, एमएलए के चुनाव हुए थे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एमपी और एमएलए के चुनाव, एमपी और एमएलए के जो चुनाव होते हैं वो किस प्रणाली से होते हैं, क्योंकि हाल ही में 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में एमपी और एमएलए के जो चुनाव हैं, एमपी और एमएलए के चुनाव, सांसद और विधायक के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हिम्मतराम जी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एमपी और एमएलए का नहीं होता है, तो एमपी और एमएलए का चुनाव किस प्रणाली से होता है, आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 55 में। आपको तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव मान लीजिए कोई सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, या एमएलए का चुनाव होता है, या एमपी का चुनाव होता है, तो आपको बताया मान लीजिए एक सीट, मान लीजिए उस क्षेत्र में कुल वैध मत कितने हैं, कुल वोटर्स कितने हैं, 2500 है, कुल 2500 वोटर है, उसमें से लीगल वोट कितने पड़े हैं, 2400 वोट पड़े हैं, 2500 वोटर्स हैं और उसमें से कुल वैध मत कितने हैं, 2400। अब 2400 में से जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा, 2400 में से जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा
ठीक है, वो सरपंच बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा और एमपी। मान लीजिए एक सीट के लिए पांच कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे? पांच कैंडिडेट थे, एक सीट के लिए पांच कैंडिडेट थे, उस सीट में कुल वोटर्स थे 2500, लीगल वेट वोटर्स कितने थे 2400, कुल वैध मत कितने पड़े 2400। मान लीजिए इसमें से पांच कैंडिडेट थे ए बी सी डी और ई, यदि ए कैंडिडेट को 500 वोट मिले, बी कैंडिडेट को 700 वोट मिले, सी कैंडिडेट को 300 वोट मिले हैं, ए कैंडिडेट को 800 वोट मिले हैं और ए कैंडिडेट को यदि 100 वोट मिले, तो टोटल काउंट करके देख लीजिए 7, 5, 1200, 3, 1500, 1600, 800, 2400 वोट हो गए। कितने वोट हो गए? 2400 वोट हो गए। इनमें से जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वो जीत जाएगा, वो सरपंच बन जाएगा, एमपी बन जाएगा और एमएलए बन जाएगा। और सबसे ज्यादा देख लीजिए वोट किसको प्राप्त हो रहे हैं, डी को हो रहे हैं 2400 में से 800। इसका मतलब होता है अग्रता ही विजेता, जो आगे होगा वही विजय घोषित कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। ये एमपी और एमएलए का चुनाव, एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है, सभी का आंसर लगभग लगभग गलत है कि उनका चुनाव कैसे होता है। कुछ लिख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, मैं तो पूछ रहा हूं किस सिस्टम से होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, इसी प्रकार एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इसको हिंदी बोलते हैं अग्रता ही विजेता, यानी जो सबसे आगे रहेगा वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। देख लीजिए 2400 में से जो सबसे ज्यादा वोट लेके आया वो विजय घोषित हो गया, और 2400 में से 800 जो वोट लेके आया डी, वो सरपंच भी बन जाता है, एमएलए भी बन जाता है और एमपी, यानी एमएलए एमपी और सरपंच में जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है वो विजय घोषित कर दिया जाता है, यानी अग्रता ही विजेता। इस प्रणाली को बोलते हैं अग्रता ही विजेता। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति वही बनेगा जो न्यूनतम कोटा हासिल करेगा, जो क्या हासिल करेगा, न्यूनतम कोटा हासिल करेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा वो विजयी उम्मीदवार नहीं होगा, उसे कम से कम क्या हासिल करना पड़ेगा, न्यूनतम कोटा हासिल करना पड़ेगा, और न्यूनतम कोटा का मतलब होता है 50% से एक वोट अधिक, 50% से एक वोट अधिक, इसे बोलते हैं न्यूनतम कोटा। जैसे मैंने कहा कुल लीगल वोट कितने पड़े 2400, और मान लीजिए राष्ट्रपति के पांच कैंडिडेट हैं, राष्ट्रपति के कितने कैंडिडेट हैं पांच, यदि एक को यदि 300 वोट मिले, बी को 700 वोट मिले, इसको 800 वोट मिले, ठीक है, और इसी को 300 वोट मिले और इसी को 500 वोट मिले, अब बताओ कौन राष्ट्रपति बनेगा पहले चरण में से, कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो आपको होता है यदि यहां सरपंच का चुनाव होता, एमपी का चुनाव होता या एमएलए का, तो जो सबसे ज्यादा वोट लेके आ गया वो सरपंच बन जाता था। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा हासिल होना जरूरी है 50%, जो 2400 का 50% कितना हुआ 1200, और प्लस एक वोट, यानी 1201 वोट हासिल करना जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए, कम से कम यह हासिल होना जरूरी है 1201। 1201 का मतलब हुआ दोस्तों कि 50% प्लस एक, और यदि इसमें से किसी को पहले चरण की मतगणना में, पहले चरण के राउंड में यदि पहले चरण में किसी को भी 50% प्लस एक या न्यूनतम कोटा हासिल नहीं होता तो दूसरे चक्कर की मतगणना होती है, और दूसरे चक्कर में नहीं मिलता तो तीसरे चक्कर की मतगणना होती है, और जो सबसे कम वोट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, उसके वोट ऐड कर दिए जाते हैं। और आपको बताएं भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी जो द्वितीय चक्कर की मतगणना में विजय हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे जो द्वितीय चक्कर की मतगणना में विजय हुए थे, वीवी गिरी, क्योंकि उनको प्रथम चरण के, आपको बताएं क्योंकि उनको प्रथम चरण में न्यूनतम कोटा हासिल नहीं हुआ था। तो ध्यान रखना जिसको पहले चरण में न्यूनतम कोटा हासिल नहीं होता है तो उसके लिए दूसरे चरण की मतगणना होती है, और फिर दूसरे में भी हासिल नहीं होता तो तीसरे चक्कर की मतगणना होती है, यह प्रोसेस चलता रहता है जब तक न्यूनतम कोटा हासिल नहीं होता।
तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम क्या हासिल होना जरूरी है, न्यूनतम कोटा हासिल होना जरूरी है, जिसे बोलते हैं 50% + 1। और राष्ट्रपति का चुनाव में आम जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। उसमें न्यूनतम कोटा हासिल होना जरूरी होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसका मतलब होता है प्रत्येक वोटर को जितने कैंडिडेट होते हैं उसके समान अनुपात में एक एक वोट देना होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 ही अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 ही अनुमोदक होना जरूरी है। जब आप मतलब 50 का आपके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और 50 ही अनुमोदन करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इससे पहले ये 50 की संख्या कब बढ़ाई गई, इससे पहले 10 प्रस्तावक होते थे और 10 ही अनुमोदक होते थे। इससे पहले 10 प्रस्तावक होते थे और 10 ही अनुमोदक होते थे, लेकिन ये 50 की संख्या कब बढ़ाई गई, तो आपको बता दूं दोस्तों, 1997 से पूर्व 10 प्रस्तावक होते थे और 10 ही क्या होते थे, अनुमोदक। 10 प्रस्तावक होते थे और 10 ही क्या होते थे, अनुमोदक होते थे। 10 प्रस्तावक और 10 ही अनुमोदक होते थे, लेकिन वर्तमान में 1997 में यह संख्या बढ़ा दी गई। 1997 के बाद 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि होती है, वो 15,000 रुपये होती है। और ये जमानत राशि RBI के पास जमा करवानी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करानी होती है। तो जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है। और इससे पहले 1997 से पहले जमानत राशि 2,500 रुपये थी, 1997 से पहले जमानत राशि 2,500 रुपये थी। तो 1997 के बाद 10 प्रस्तावक बढ़ा के 50 कर दिए, अनुमोदक बढ़ा के भी 50 कर दिए। 1997 के बाद जमानत राशि 2,500 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 15,000 रुपये कर दी गई। और ये जमानत राशि किसके पास जमा करानी होती है, RBI के पास। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कैंडिडेट को कुल वैध मतों का यदि 1/6 नहीं मिलता है, कुल वैध मतों का जो लीगल वोट होते हैं, कुल वैध मतों का यदि 1/6 प्राप्त नहीं होता है, 1/6 प्राप्त नहीं होने पर जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। यानी जो आपकी जमानत राशि होती है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है किसी कैंडिडेट को कितने वोट नहीं मिलने पर, तो कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिलने पर। कुल वैध मतों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाओ दोस्तों। होता क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में चार कैंडिडेट हैं। अभी आगे जाके मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा इसको, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहां अपन थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और यह होता है 50% + 1। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। कब से बढ़ाई गई यह संख्या, 1997 से। उससे पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। जमानत राशि कितनी, 15,000। 1997 से पहले 2,500 रुपए होती थी। किसके पास जमा करानी होती है, RBI के पास। और कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिले, जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। अब देखिए, लेकिन MLA MP का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करते हैं वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको न्यूनतम कोटा हासिल नहीं होता तब तक आपको पता है कि ये मतगणना चलती रहती है। अब कई बार पूछे एक विधायक का मत मूल्य, आपको पता है सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, तो सभी राज्यों को इक्वल करने के लिए आपको पता है एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है, ताकि सभी राज्यों को एक समान आपको पता है
राष्ट्रपति के चुनाव में समान भागीदारी मिल सके, इसके लिए एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। तो जब भी आपसे पूछेंगे एक विधायक का मत मूल्य, जिस राज्य से भी निकाला जाएगा एक विधायक का मत मूल्य, तो उसके फॉर्मूले एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। एक विधायक का मत मूल्य, तो ध्यान रखना एक विधायक का जब भी मत मूल्य तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या कौन से वर्ष की, 1971 की। इसमें जनसंख्या को कौन से वर्ष की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, 1971 की। उस राज्य की कुल जनसंख्या, जनसंख्या कौन से वर्ष की, 1971 की जनगणना। 1971 को आधार क्यों माना गया, क्योंकि 1971 ऐसा वर्ष था जहां उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या लगभग लगभग इक्वल थी, ठीक है, इसलिए 1971 के इसमें आधार वर्ष बनाया गया। इसके लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन 2001 हुआ था, जिसमें 2026 तक ये सीटें यथावत रहेगी। उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की, जिस राज्य की आपको विधायक का मत मूल्य निकालना है, उस राज्य की कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें, कुल विधानसभा सीटें नहीं है, कुल विधानसभा सीटें में तो आपको तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं, क्योंकि आपका आर्टिकल 333 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, तो वो मनोनीत भी होता है, लेकिन उस राज्य की कुल विधान, कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें, यानी उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें नहीं, विधानसभा सीटों में भी कैसे निर्वाचित सीटें, और 1/1000। इस प्रकार एक विधानसभा का मत मूल्य कितना है, तो जब भी एक विधायक का मत मूल्य कितना है, जब भी एक विधायक का मत मूल्य निकालना तो उस राज्य की कुल जनसंख्या, और यह जनसंख्या होगी 1971, जो जनसंख्या का नोट लगा देता हूं, जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो है 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या, और उस राज्य की कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें, कुल सीटें नहीं, कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें 1/1000, इस प्रकार निकालेंगे। तो आपको बता, हम राजस्थान, हर राज्य के अलग अलग निकाल सकते हो आप, लेकिन आप राजस्थान की यदि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129। इस प्रकार जो यूपी में है, जो एमपी में, वो अलग अलग अपने राज्य की निकाल सकते हैं। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, 129 होता है, क्योंकि आप अपने राज्य की 1971 की जनसंख्या रखोगे, उस कुल निर्वाचित विधानसभा सीटें रखोगे, 1/1000 लिखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा जिस भी राज्य की आप निकालना चाहते हो। और राजस्थान की यदि आपसे पूछे तो राजस्थान का कितना है, 129। एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। इसी प्रकार यदि हम बात करें एक सांसद का मत मूल्य, तो इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, एक सांसद का मत मूल्य, तो सांसद का मत मूल्य निकालेंगे तो भारत के सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, पहले तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनके विधायकों का जो जितना भी मत मूल्य आएगा उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी विधायकों का मत मूल्य, तो सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, के मत मूल्य का योग, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, और उसमें सभी निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या, की कुल संख्या, इसका यदि हम भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा, यानी भारत के ऑल ओवर जो विधायक हैं, भारत के जितने भी विधायक हैं उनके मत मूल्य का योग, और उसमें सांसद जो निर्वाचित हैं, मनोनीत नहीं, जो सांसद निर्वाचित हैं उनके कुल संख्या का यदि हम भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि एक सांसद का मत मूल्य आएगा वो आपका आएगा 708। एक सांसद का मत मूल्य कितना आएगा, 708, ठीक है। तो सांसद का मत मूल्य पूछे तो 708। सर केवल जनसंख्या ही 1971 की लेनी है या निर्वाचित सीटें भी 1971 वाली लेनी है, केवल जनसंख्या 1971 की लेनी है, केवल जनसंख्या ही 1971 की लेनी है दोस्तों। और ऐसा क्यों, क्योंकि सीटें तो यही रहेगी, 2026 तक यही रहने वाली है। आपको तो एक संविधान में संशोधन करा गया है, 84वें संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया, और उसके तहत किए दिया गया ये सीटें
2026 तक क्या रहनी है, यथावत रहेगी। तो सीटें चेंज नहीं होने वाली, सीटें 2026 तक यही रहेगी। तो आगे का कट रहा है, हाँ देखते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह प्रोविजन किया गया कि 2026 तक ये सीटें यथावत रहने वाली है। तो 2026 तक यही सीटें रहेगी, तो सीटों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और जनसंख्या हम 1971 की क्यों रह रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या 1971 की इसलिए रहे हैं कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत, आपको तो दक्षिण भारत के राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष का ध्यान दे रहे हैं, तो दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण, और जनसंख्या नियंत्रण रहने से आपको उनकी जनसंख्या कम है, कंट्रोल में, और जनसंख्या कम होने से आपको पता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में आपको पता है सीटें किस आधार पर दी जाती है, जनसंख्या के आधार पर आपको पता है। अब यदि उनकी वो जनसंख्या नियंत्रण करेंगे तो उनकी सीटें क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जिनकी जनसंख्या कम उनकी सीटें भी क्या हो जाएगी, कम। और उत्तरी भारत के लोगों के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है तो उनकी सीटें भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यदि आज की जनगणना के आधार पर करें, 1971 के आधार पर नहीं करके 2011 के आधार पर करेंगे, तो उत्तरी भारत के राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या कम है, तो उनको सीटें भी कम मिलेगी, सीटें भी कम मिलेगी तो संसद में प्रतिनिधित्व भी कम होगा, और संसद में प्रतिनिधित्व कम होगा तो आपको तो राष्ट्रपति के चुनाव में उनकी भागीदारी कम हो जाएगी। इसलिए 1971 एक ऐसा वर्ष था जब उत्तरी भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या लगभग इक्वल थी, इसलिए यह वर्ष कौन सा चुना गया, 1971, और सीटें 2026 तक यथावत रहनी है। तो आप सोचिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में थी, 55 में, उसको आपने डिस्कस किया कि एक विधायक का मतमूल्य कितना होता है और एक सांसद का मतमूल्य क्या। कल आज हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए, 54 और 55। कल दोस्तों हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे 56, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पद ग्रहण से होता है, शपथ ग्रहण से होता है, चुनाव परिणाम से होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कब से, पद ग्रहण से, शपथ ग्रहण से, चुनाव परिणाम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप सभी लोग, दो आर्टिकल क्लियर कर चुके अपन, 54 और 55। जो 54 और 55 मेजर आर्टिकल थे, कल अपन 56 पे राष्ट्रपति के कार्यकाल पे चर्चा करेंगे। तब तक सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।